अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में। सर, ये डिसीजन क्या है एक्चुअल में? यार, हम यूपीएससी की तैयारी करना शुरू तो कई बार कर देते हैं या उसके बारे में हम सोच लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस एग्जाम का जो गेम है या जो आप जिसको कह सकते हो जो नियम है या जो रूल्स फॉलो होने चाहिए, कई बार हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है कि कई बार एग्ज़ाम को या एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करते करते इतना समय निकल जाता है कि सिलेबस का भी हमें छोर पता नहीं होता कि सिलेबस कहाँ से शुरू करना था, क्या शुरू कर बैठे। और कई बार हम देखते हैं कि हमारी दिशा इस तरह से, मतलब दिशा होकर भी हम दिशाहीन हो जाते हैं। तो भैया, आज हम मैं मतलब थोड़ा समय लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन आने वाले कुछ समय में बहुत बड़ा एक तरह से कॉन्सेप्ट मान लीजिए जो क्लियर करने वाला हूँ कि यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो उसमें आपको कितना समय देना चाहिए या कितना समय आपको देना होगा इस पूरी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि अब समय देना मतलब क्या है, देखो समझिए, दो प्रकार के लर्नर होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। एक जिसे सारी चीज़ें सिलेबस पढ़ के सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जैसे मैं अपने आप को उस समय रखता था या मैंने अपने आप को एक सामान्य मान के चलिए लर्नर के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि मैं जब सिलेबस पढ़ूंगा तो मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज तो हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं कई बार समझ आता कि मुझे एक्चुअल में कितने सब्जेक्ट हैं और कितने सब्जेक्ट के साथ कितना समय बिताना है। क्या सारे सब्जेक्ट्स बराबर हैं? क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के बाद भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा? और स्पेशली ये जितने भी नए लर्नर्स हैं जिनको हम नेक्स्ट ईयर फेस करना है एग्जाम को, या 2024-25 तक जाना है, या जो भी लर्नर्स 12th क्लास में, या मान लीजिए कॉलेज के कोई से भी ईयर में है कि अब मुझे एग्ज़ाम देना है, तैयारी करना शुरू करूँगा मैं, तब उसके लिए फिर आपको समय कितना देना होगा और सब्जेक्ट वाइज। तो यार, मैं सबसे पहले ना आपको एक सब्जेक्ट की लिस्ट बता देता हूँ, सच्चाई सामने आपके देता हूँ। ये सच्चाई वो है जिससे आपको हर दिन लड़ना है, ठीक है? और यदि आपने प्लानिंग ठीक से नहीं करी तो आप लिख के रख लीजिए कि ये पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल दिशाहीन होने वाली है। आपको हर दिन लगेगा कि मैं तो खूब मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अब वही बात है, आपको मेहनत तो फिर हर कोई कर रहा है, लेकिन आपने क्या नया करा, आपने क्या तरीके से किया, या आपने जो एग्ज़ाम क्या मांग रही है वो क्या किया, क्यों नहीं किया, उसके साथ बहुत दिक्कत होने लगती है। अब जैसे एक सबसे पहले क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी, मतलब समझ रहे हो, ये जैसे रोज की भाषा में हम कहते हैं हिस्ट्री, इसको कह देते हैं हम लोग, एंड आर्ट कल्चर बोल देते हैं, ठीक है, यही सुनते हो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा तो वर्ल्ड हिस्ट्री, एक तो ये सब्जेक्ट बोल देते हैं। ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में मैंने इंडिया भी कंसिडर कर लिया है, ठीक है, और सारी चीज़ें इंक्लूडिंग फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप, ठीक है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सारी चीज़ें, ठीक है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस। अब कहने के लिए सिलेबस में चार अलग अलग सब्जेक्ट्स की तरह इसको आप देख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में यदि हम लोग देखेंगे तो अभी फिलहाल हम थोड़ा सा आसान करने का प्रयास कर रहे हैं। और कितना समय किसमें लगना चाहिए, कितनी आपकी प्लानिंग होगी, वो बहुत ज़रूरी है समझना। अब इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह एक अपने लिए हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी अलग सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब अपने लिए पूरी इकोनॉमी की तरह चले गए आप, या एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ चले गए, ठीक है, फिर इथिक्स अलग हो गया, सीसेट अलग है, करंट अफेयर्स और ऑप्शनल, भाई इतना मसाला अपने को तैयार करना होता है। तो ये तो मतलब आपने मान के चलिए कि अपने गेम के खिलाड़ी हो गए सर इतने, अब इनसे कहाँ पर किसका क्या रोल है, किसकी कितनी जो है खास बातें हैं, वो अपने को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना समय देना चाहिए, जैसे मैं एक नया लर्नर हूँ, अब आप पहले उस पूरे प्रोसेस को समझिए कि सर मान लीजिए मैं प्री का एग्ज़ाम है, फिर मैं मेंस की तरफ जा रहा हूँ, अब अपन मेंस तक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रीलिम्स मान लीजिए आज मैं आज इस जगह पे खड़ा हूँ, मतलब आज मान लीजिए मैं अप्रैल मंथ में खड़ा हूँ, ठीक है। अब अप्रैल से मान के चलिए कि मैं नेक्स्ट ईयर तक जाऊँगा और मेंस तक उधर अक्टूबर नवंबर तक जा रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सपोज, तो मेरे पास कम से कम इतना समय तो है कि एक साल से ज़्यादा समय है, फॉर एग्जाम्पल, पहली बात। दूसरी बात, एक साल से ज़्यादा समय तो है, लेकिन मुझे ये पता करना होगा कि एक साल के ज़्यादा समय में लेट्स से सपोज मेरे पास 18 मंथ हैं, लेकिन इन मंथ्स का मुझे कैटेगराइजेशन इस तरह से करना होगा कि तैयारी मेरी पूरी हो जाए मेंस तक की, सुनना, तैयारी मेरी पूरी हो जाए मेंस तक की, और साथ में प्रीलिम्स के पहले क्या क्या सब्जेक्ट कवर होने चाहिए और प्री के बाद कौन से सब्जेक्ट काम आएंगे, ये भी क्लियर हो। अब जैसे इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को अपने को पता है कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादातर हमें प्रीलिम्स के बाद अपने को काम आने वाली, ठीक है, मेंस नहीं, प्रीलिम्स के बाद, ठीक है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, या इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी के बारे में अपन बात कर रहे हैं,
तो इनमें तो क्या है सर कि प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा काम ही काम है, मेंस में तो आना ही आना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई बार थोड़ा सोशल जस्टिस गवर्नेंस ज़्यादातर हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें जो है सिर्फ मेंस के लिए हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब इसमें भी जैसे साइंस टेक्नोलॉजी तो यह सब कुछ आने वाला है प्रीलिम्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का थोड़ा सा पोर्शन जो है ये अपने को मेंस में काम आ जाएगा सर। ठीक है, इधर आओगे आप इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, ये टोटली मेंस में जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद में सीसेट प्रीलिम्स करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ना है, ऑप्शनल ही अपने को मेंस में चीज़ें लेकर जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि प्रीलिम्स के पहले तक लगभग 75% कोर्स मेरे को आना चाहिए और इसके बाद में ये मेंस तक जो है एटलीस्ट जो बचे हुए सब्जेक्ट्स वो भी मुझे कंप्लीट करने होंगे। अब इसका ये मतलब मत समझ लेना, ध्यान से सुनना, कि इसमें ही मैं मेंस के सब्जेक्ट पढ़ूंगा पहले छोड़ दूंगा। कई बार ये भी गलती कर लेते हैं हम, तो फिर लंबा समय चला जाता है। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमें लगभग मान के चलना कि 17-18 महीने यदि हम लोग लेते हैं तो इसमें बहुत सीधी सी कहानी है जो अपने को ध्यान रखनी है कि ये जो इंडियन हेरिटेज आर्ट कल्चर लगभग मान के चलते हैं हम लोग कि हमें 2 महीने लगने ही लगने हैं, 2 महीने लगने ही लगने हैं। और मैं पढ़ने का पैटर्न आपको बता देता हूँ। सपोज़ मान लीजिए कि 2 घंटे में डेली जीएस का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लगभग 2 घंटे में करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल पूरा एडिटोरियल वगैरह ये इंक्लूडिंग मैंने थोड़ी देर आंसर राइटिंग कर ली, ठीक है। मान लीजिए 1 घंटा में डेली मेरा सीसेट कमज़ोर है उस पर काम कर रहा हूँ, तो भी मेरे पास कम से कम 6-7 से 8 घंटे मेरे को लगने ही लगने हैं हर दिन, और ये कंसिस्टेंट रहना है इसमें बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो इनडायरेक्टली मैं जीएस के 2 सब्जेक्ट्स कवर कर रहा हूँ हर दिन। अब मान लीजिए किसी दिन 2 महीने बाद मैंने इसकी जगह ऑप्शनल भी शुरू कर दिया, तब मेरा जीएस फिर एक ही रह जाएगा, और जो कि करना पड़ेगा। 2-3 महीने आपके ऐसे भी जाएंगे कि जीएस सिर्फ आप एक पढ़ना होगा और साथ में आपको ऑप्शनल लेके भी चलना होगा। तो लगभग 2 महीने इसको लगना है, ठीक है। ज्योग्राफी का भी लगभग सेम कहानी, 2 महीने आपको देना ही पड़ता है, ठीक है। संविधान में भी आपको लगभग 2 महीने का एवरेज बना के चलना है, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो तो कम से कम 1.5 महीना आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे तो एटलीस्ट 2.5 महीना, मतलब 2 से 2.5 महीने लग ही जाना है, ठीक है। एनवायरमेंट में भी आपसे 1.5 से 2 महीना लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद में इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में भी आपको कम से कम 1 महीना आप मान के चलिए। सीसेट में आपको यदि कमज़ोर है आपका, तो आपको मेरे हिसाब से हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एवरीडे की कहानी है। करंट अफेयर्स एवरीडे की कहानी है। ऑप्शनल ये कर सकते हैं आप, कम से कम आपको 4 महीने देने पड़ेंगे, 2 घंटे, मतलब उस समय आपका 1 GS कम हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो प्लानिंग है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखेंगे तो 2, 4, 6, ठीक है, 8, 10 इस तरफ से चले गए, मतलब 10 से ज़्यादा महीने हम काउंट ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए आप कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके भी चल रहे हैं, ठीक है। तो एक साथ आप मानना कि अपना मोटा मोटा टारगेट हो कि 8 से 10 महीने में सबसे पहले मेरा एक बार सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि इसमें आप हर दिन 2 घंटे मान लीजिए रिवीजन भी जोड़ोगे तो आप टोटली 10 घंटे की तरफ चले गए। तो 8 से 10 महीने में प्रीलिम्स के पहले मेरा एक बार सब पढ़ के हो जाए, पहली बार। लेकिन अब मैं प्रीलिम्स के बाद भी छोड़ नहीं सकता एकदम से, क्योंकि मेरे को वर्ल्ड हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें एक एक बार कम से कम अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स तो कवर करके चलने पड़ेंगे। इट मीन्स दैट कि मुझे कहीं ना कहीं 18 महीने का ये प्लान बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सिंपल सा कहानी है जो अपने को कर लेना है, 2 सेक्शन में अपन डिवाइड कर लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इथिक्स लिख लें, ठीक है, साथ में जो है फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में फॉर एग्जांपल आप आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट लिख देते हैं और गवर्नेंस वाला पार्ट लिख देते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला ब्लॉक हो गया, बाकी रिमेनिंग जीएस के सब्जेक्ट यहाँ आ गए और एक साथ में आपका ऑप्शनल है। अब इन 3 चीज़ों को आपको लेके प्लान करना है, ठीक है। अब आपको प्रीलिम्स के पहले तक इन 3 सेक्शंस को आपको इनडायरेक्टली एक बार पढ़ के करना ही करना है। पढ़ के करना है मतलब इन द सेंस कि एटलीस्ट आपका एक बार इसमें सारा जितना भी पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाए, ठीक है। अब ये कैसे होंगी, किस तरह से कवर करोगे इसको, तो बहुत सिंपल सी कहानी मैंने आपको बताया कि इस वाले सेक्शन से पहले आपको सब्जी रोटी दाल चावल, मतलब क्या, सबसे पहले ज्योग्राफी, साथ में उसके एनवायरमेंट वाली कहानी, ठीक है। या इसके बाद में आप जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो आप पॉलिटी के साथ चल सकते हो, पैरेलल दोनों को चला सकते हो, ज्योग्राफी पॉलिटी को, इकोनॉमी, और फिर आता है आपका हिस्ट्री। भैया ये सीक्वेंस रख सकते हो आप लोग,
ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी एक बार समझ आ जाती है, वर्ल्ड मैप समझ आ जाते हैं तो, या पॉलिटी इकोनॉमी को पहले ले सकते हो, हिस्ट्री में कई बार समय बहुत लग जाएगा और फिर हमें न्यूज़पेपर भी समझ नहीं आएंगे, तो पहले हमें ये दो सब्जेक्ट या तीन ये कर लेते हैं तो हमें न्यूज़पेपर समझ में आ जाएगा। तो हमें कम से कम इन चारों सब्जेक्ट में कोशिश ये करें आप कि लगभग 5 महीने के अंदर इनको हम साफ कर पाएं, ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे वाले जो हमारे 3 से 4 महीने रहेंगे उसमें हमारा साथ में ऑप्शनल भी चलता रहेगा और साथ में हम लोग इधर वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, सिक्योरिटी वाला पढ़ लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया, वो हम कर सकते हैं। तो करीब करीब 5 से 6 महीने का ये जीएस वाला सेक्शन जाएगा आपका कम से कम, ठीक है। और कब, जब दो सब्जेक्ट आप साथ में चल रहे हैं, यदि आपके पास फिर समस्या है, टाइम की दिक्कत है, तो यही मान के चलना आप डबल हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि आपको इस पूरी टाइमलाइन में ये प्रिलिम्स आ रहा है मान लीजिए और ये मेंस आ रहा है, ठीक है, और ये पूरी मतलब आप इसकी प्रोसेस ही देखोगे तो लगभग 18 मंथ होने वाला, ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसके पहले तक आप कम से कम 6-7 महीने तक मान के चलना कि जीएस के सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं, और इसी में ही जो है कम से कम 3 से 4 महीने आपके जो रहेंगे नॉर्मल आप देखोगे, तो इसमें ऑप्शनल प्लस जो आपके सिर्फ मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। प्रीलिम्स देंगे आप, फिर सबका ही कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ के और आंसर राइटिंग के साथ काम करना। इट मींस दैट कि ये कुछ ऐसा प्लान आपको होगा। अब इस वीडियो का जो उद्देश्य था ना, वो ये था कि आपके सामने सब्जेक्ट की सच्चाई सामने रहे हमेशा। जब भी आप प्रैक्टिकली इस वीडियो को खोल के देखोगे ना, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट जब लिस्ट रहेगी तो आपको पता लगेगा कि भाई इतने सब्जेक्ट्स मुझे तैयार करते हुए चलना, समझ आ गई मेरी बात। तो 10 मिनट आपने ज़रूर लगे आपके जीवन के, लेकिन आपको क्लैरिटी पूरी मिल गई इसमें, ठीक है।